हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सरोज हिमाचल प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये अरबी और दही की सब्जी। आप इसे अरबी की कड़ी भी बोल सकते हो। ये हिमाचल में कई बार धाम में भी हिमाचली धाम जो बनती है उसमें भी बनाई जाती है, क्योंकि हमारे कचालू बहुत होते हैं। तो फ्रेंड्स, कचालू यानी कि अरबी, हिमाचली भाषा में हम इन्हें कचालू बोलते हैं। और ये मैं घर से ही लेके आई थी, तो ये थोड़े से पड़े थे, मैंने सोचा इनकी कड़ी बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इन्हें अच्छी तरह धो के मैंने रख दिया है गैस पे बॉईल होने के लिए। कम से कम एक या दो सीटी मैं इसे दिलाऊंगी अभी। और फ्रेंड्स, यहाँ देखिए गैस मैंने बंद कर ली थी, और अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए बिल्कुल बॉयल हो चुके हैं ये, अभी इन्हें छिल लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इन्हें छिल लिया था और उसके बाद पीसेस में काट लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ ये देखिए प्याज लिया है, टमाटर है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और ये राई है थोड़ी सी। तो अभी चलिए तड़का लगाना फिर शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने कढ़ाई में तेल डाल लिया है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे खड़ा मसाला। खड़े मसाले में दालचीनी है, और जीरा, और सूखा धनिया, थोड़ी सी अजवाइन, और ये तेज़पत्ता जो मैंने डाल दिया है। तेल काफ़ी गर्म था तो इसलिए मैंने इन्हें ज़्यादा देर नहीं पकाया, और प्याज को भी डाल दिया है। और अभी हमें प्याज को पका लेना है, थोड़ा हल्का इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, प्याज जल्दी से गोल्डन ब्राउन हो जाए इसके लिए मैं इसमें नमक पहले ही ऐड कर दूंगी। नमक डालने से प्याज जल्दी ही पक जाता है। और फिर अभी इसे थोड़ी देर के लिए चलाते रहूँगी और फिर पका लूँगी अच्छी तरह से। थोड़ा सा पकाने के बाद फिर इसमें मैं ऐड कर दूंगी ये जो टमाटर, कटे हुए टमाटर हैं, इनको ऐड कर दूंगी। और फिर इसको भी अच्छी तरह से पका लूंगी ताकि इनकी ग्रेवी सी बन जाए। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया है इस मसाले में, और अभी मैं इसे कढ़ाई को ढक दूंगी ताकि जो मसाला है अच्छी तरह पक जाए, और जो टमाटर हैं वो भी अच्छी तरह से गल जाए। और फ्रेंड्स, ये देखिए एक बाउल मैंने दही का लिया है। दही की जगह आप लस्सी भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने दही ली है, और इसमें ऐड की है राई पाउडर। और अभी हमें दही को अच्छी तरह से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, बिल्कुल ये अच्छे से हो जाए। और इसमें मैं मिर्च पाउडर भी ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पास राई पाउडर नहीं था, तो मैंने राई को ही थोड़ा सा क्रश करके ऐड किया है। और उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा, और हरी मिर्च भी। मैंने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है उसके साथ उसका पेस्ट बनाया था, एक हरी मिर्च मैंने वहाँ ऐड कर दी है, तो थोड़ा सा ही अब लाल मिर्च पाउडर मैं ऐड करूँगी। आप सूखी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हो तड़का लगाते बार। तो मुझे ये ज़्यादा तीखी नहीं बनानी है, क्योंकि बच्चों को भी खानी है, तो ये मिर्च पाउडर ही बहुत होगा। और अभी हम दही को बिल्कुल अच्छे तरीके से फेंट लेंगे, बिल्कुल मतलब इसमें कोई वो ना रहे, लम्स ना रहे, बिल्कुल अच्छी तरह से इसे फेंट लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मसाला बिल्कुल हो गया था। तो अभी मैं ये जो कटी हुई अरबी है इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी। तो फ्रेंड्स, अरबी को हम कचालू बोलते हैं, तो बार बार कचालू भी मेरे मुँह से निकल रहा है, तो जो कचालू है अभी मैं इन्हें इसमें ऐड कर लूँगी। और फिर बिल्कुल इन्हें भी अच्छी तरह से थोड़ी देर के लिए इन्हें पका लूँगी अच्छी तरीके से। पके तो हैं ही फ्रेंड्स, पर मतलब इन्हें मसाले में थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो फ्रेंड्स, थोड़ी देर ढक के मैंने इन्हें पका
मसाला लिया है, ये देखिए बिल्कुल मसाला इसमें वो हो गया है। और अब हमें इसमें ऐड कर देना है ये दही। तो अब मैं ये दही ऐड कर लूँगी। आप दही में बेसन भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ बेसन ऐड नहीं किया है, बिल्कुल दही को ऐसे ही फेंट के मैंने इसमें डाल दिया है। कुछ लोग तो जब दही डालेंगे तो ऐसे ही इसे उतार देते हैं और बस दही को मिक्स करके वो कर देते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे दही को अब इसमें अच्छी तरह से पकाऊंगी और मैं इसे चलाती रहूंगी ताकि दही फट ना जाए, क्योंकि दही में बेसन भी नहीं है तो ये जल्दी फट सकती है, लेकिन जब हम लगातार चलाते रहेंगे तो ये नहीं फटेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ लगातार चलाने के बाद जैसे ही बॉयल हो गई थी, मैंने गैस को बंद कर दिया है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल पक चुकी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनी हुई थी। और फ्रेंड्स, अभी मैं इसमें हरा धनिया ऐड कर दूँगी तो इसका और भी टेस्ट बढ़ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये थी कचालू की कड़ी यानी कि अरबी की कड़ी। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये हमारे यहाँ कई बार हिमाचली धाम जो बनती है उसमें भी ये कई बार एक डिश बनाई जाती है, कहीं कहीं बनाई जाती है ये।